नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूँ। सच में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी ने सबको पागल बना दिया है। पहली मेल लिस्ट जो जारी हुई उसमें भारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है, यानी कि जी हाँ, जिनका 80% मार्क्स है 90% मार्क्स है वो लिस्ट से बाहर है, और जिनका 60% मार्क्स है वो लिस्ट में शामिल है। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर से आपकी मेल लिस्ट जारी होगी, मेरी लिस्ट होगा कैंसिल। यहाँ पर अपडेट आ गई है आज की, बहुत बड़ी अपडेट। तो अभी आप एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठहर जाइए, आपकी मेल लिस्ट आज कैंसिल होने जा रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को कि मेरिट लिस्ट आपकी कैंसिल हो रही है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं, तो वीडियो को कर दे जल्दी से लाइक, चैनल पे पहली बार से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ले, क्योंकि इस पर मिलेगी पल पल की अपडेट। सबसे पहले आइए वीडियो की शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं। डाउटनेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जी नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनेट ऐप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो यहाँ देखिए, मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी से स्नातक नामांकन में हो रही है बाधा। टीएमबी के डिग्री कॉलेज में स्नातक पार्ट 1 की नामांकन प्रक्रिया में एक बार फिर बाधा आ गई, यानी एक बार फिर फुल स्टॉप लग सकता है। बीते 12 दिनों से नामांकन प्रक्रिया को बार बार टालने के बाद टीएमबी ने 9 अक्टूबर से हर हाल में एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया था, जो फेल हो गया। बता दें कि नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बाद 7 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट में सुधार के बाद इसे जारी किया गया था। मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद यह 8 अक्टूबर तक कॉलेज को नहीं मिला। 9 अक्टूबर शुक्रवार को सूची मिली तो फिर गड़बड़ मिल गई। इधर विभिन्न कॉलेज में नामांकन के लिए चयनित छात्रों को ने आरोप लगाया कि अच्छे अंक वाले छात्र को कॉलेज अच्छा नहीं मिला, वही कम अंक वाले अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं, यानी कि हो रही है पूरी गड़बड़ी। आदेश दिया गया, कुछ छात्रों ने बताया कि टीएमबी के वेबसाइट पर अपलोड मेरिट लिस्ट में एरर देख रहा है, कौन से कॉलेज में नामांकन लेना है पता ही नहीं चल रहा है। कॉलेज ने कहा कि शिकायत की जांच कर लेंगे एडमिशन। मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत करने शुक्रवार को टीएनबी कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, एसएस कॉलेज 12वीं कक्षा में 5 छात्र छात्राएं पहुंचे। मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पुद्दार ने बताया कि यहां से 12वीं पास करने वाले कई छात्र के मामलों की शिकायत। छात्रों का कहना है कि कम अंक वाले का चयन टीएनबी तथा मारवाड़ी कॉलेज में हुआ है, वही नामांकन शुरू करने से पहले शिकायत की जाँच की जाएगी। एसएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा कहा, उन्हें यहाँ भी सूची आ गई है लेकिन नामांकन शुरू नहीं हो सका है, क्योंकि यहाँ पे हो रही है बिल्कुल गड़बड़ी। तो जब तक गड़बड़ी में सुधार नहीं होता है तब तक आप लोग का एडमिशन जो है वो नहीं होगा। इसका मतलब जो है साफ समझिए कि आप लोग का जो ये मेरिट लिस्ट है वो आपका कैंसिल होगा, यानी फिर से आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी जारी होगी, फिर से एक बार मेरिट लिस्ट जारी होगी सुधार के साथ। तो अभी आप लोग जो मेरिट लिस्ट डाउनलोड किए हैं उसे आप रहने दें, फिर से मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद आप लोग का ऑनलाइन एडमिशन का डेट जारी होगा, ठीक है। तो अभी जो मेरिट लिस्ट आई है उसे कचरे के डब्बे में फेंक दें, ठीक है, नई मेरिट लिस्ट का वेट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।